क्या हुआ मुसीबत को देखकर डर गया तुम्हें इन सब से जीत जाना है क्या हुआ मुसीबत को देखकर डर गया तुम्हें इन सब से जीत जाना है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है याद रख जीता वही जो डरा नहीं है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है याद रख जीता वही जो डरा नहीं है सूरज की तरह चमकना है तुझे अपने तकदीर को बदलना है तुझे सूरज की तरह चमकना है तुझे अपने तकदीर को बदलना है तुझे हाथों की लकीरों पर विश्वास मत कर हाथों की लकीरों पर विश्वास मत कर इन लकीरों से आगे जाना है तुझे हाथों की लकीरों पर विश्वास मत कर इन लकीरों से आगे जाना है तुझे अपने हौसलों के सारे उड़ान भर अपने हौसलों के सारे उड़ान भर असंभव को भी संभव कर अपने हौसलों के सारे उड़ान भर असंभव को भी संभव कर मिलेगी एक ना एक दिन मिलने में थोड़ी तो लगेगी देरी मिलने में थोड़ी तो लगेगी देरी पर मंजिल कदम चूमेगी तेरी पर मंजिल कदम जरूर चूमेगी तेरी हेलो फ्रेंड्स तो आज हम डिस्कस करें आज का हमारा न्यू सेशन न्यू टॉपिक एंड न्यू गारंटेड क्वेश्चन सीरीज एंड गारंटेड क्वेश्चन सीरीज में आज हम नए टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस गारंटेड क्वेश्चन सीरीज में हमने बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किए आपने भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए इस सीरीज से जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उनसे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत अच्छे से हो रही है आपको लॉजिक समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है डिफरेंट पैटर्न क्वेश्चन के समझ में आ रहे तो अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो हम सी के सारे टाइप के जितने भी पैटर्नस आते हैं वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अभी आप में भी वो कॉन्फिडेंस आया है कि जिससे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप मुझे जरूर बताना है कि क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या क्या क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या तो देखते हैं आज का हमारा जो सेशन एंड इसमें जो हमें क्वेश्चंस पूछे उनके पैटर्न एंड उनके आंसर्स उसके लॉजिक्स क्या है तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो देखिये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है

बट इन डेवलपमेंट फेट इज रिस्ट्रिक्टेड ये तो सही है कमिटमेंट होती है तो सेल्स के स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें चेंजेस नहीं आते कमिटमेंट में सिर्फ उसका फेट फिक्स होता है ओके okay? जो भी स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे वो आफ्टर डिफ्रेंसेशन आएंगे जब डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होगा इसलिए ए स्टेटमेंट करेक्ट बोल रहा है कि कमिटमेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे कमिटमेंट के बाद आएंगे डिफ्रेंसेशन के बाद आएंगे दूसरा एट द स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन सेल कमिटमेंट इज नॉट ये गलत है ये लेबाइल होता, होता, तो होता, होता है तो बी गलत है एंड बी गलत है तो बी तो ऑप्शन बचता है ए सी डी क्योंकि ए तो करेक्ट है बट फिर भी हम सी एंड डी को देखते हैं सेल और टिश्यू इज डिटरमाइंड व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनॉमसली इवन व्हेन प्लेस्ड इनटू द अनदर रीजन ऑफ और क्लस्टर ऑफ डिफरेंटली जब वो स्पेसिफाइड होती है अनदर रीजन ऑफ एम्ब्रो करेक्ट है कि अनदर रीजन ऑफ एम्ब्रो में भी प्लेस करोगे एंड फिर भी सेम फेट आता है इसका मतलब एंड uh, uh, तो स्पेसिफाइड मतलब देखना है तो हम उसको न्यूट्रल मीडिया पर डालते हैं ना हो साइटोस्किलिटल अरेंजमेंट में पोजिशन ऑफ न्यूक्लिया इन दिन विच एनेबल स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस न्यूक्र बाई अपोजिंग मॉर्फोजन कॉडल ये भी सही है सी एंडी एंड कैपेसिटी फॉर मोजैक डेवलपमेंट अलाउड से डिफरेंट फंक्शन एजल्ट ऑफ रि इंट्रैक्शन विद ने यहाँ पे मोजैक डेवलपमेंट में नेबरिंग सेल्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होती तो यहाँ पे विद इन सेल्स आइटोसोल सिग्नल होता है तो मोजैक डेवलपमेंट में नेबरिंग सेल्स के साथ इंट्रैक्शन नहीं होती विद इन सेल्स आइटोसोल सिग्नल होता है ओके सो यहाँ पे हम डिस्कस करें कि ये ई uh, e, गलत है तो ए सी डी ऑप्शन करेक्ट है तो so, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है एंड आपको समझ में आया होगा भी इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है देन देर इज नो डाउट एंड बहुत अच्छा भी पैटर्न का क्वेश्चन था और देखो सेकेंड क्वेश्चन फेट ऑफ सेल और इज स्पेसिफाइड कि सेल का फेट जो होता है स्पेसिफाइड होता है व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिप्रिशिंग ऑटोनॉमसली ऑन बीइंग प्लेस्ड इन द न्यूट्रल एनवामेंट विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंटल पाथवे एंड एमब्रियो विल शो डेवलपमेंट पर पैटर्न बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्पेसिफिक से स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है पोटेंसी ऑफ सेल क्या होता है पोर्टेंसी ऑफ सेल इज इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलटेड डेवलपमेंट नो देखो प्रोस्पेक्टिव पोर्टेंसी ये इक्वल होती है प्रोस्पेक्टिव फेट से मोजेक डेवलपमेंट में मोजैक और इसको बोलते हैं ऑटोनोमस डेवलपमेंट करेक्ट ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में होती है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट में नहीं होती तो so, ये गलत है सही है? है, 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 तो 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 ए गलत है. So, आपको ट्रू ट्रू पूछा है. So, पूछा इक्वल प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी प्रोस्पेक्टिव फेट इन द रेगुलेटिव डेवलपमेंट रेगुलेटिव डेवलपमेंट में होती है ग्रेटर सही है तो रेगुलेटिव डेवलपमेंट इसे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन बोलते दिस इज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ओके तो दिस इज ग्रेटर देन ये सही है सी इक्वल टू तो इट्स नॉर्मल फिट मोजैक ये भी सही है इक्वल टू तो इट्स नॉर्मल फिट मोजैक डेवलपमेंट होती है करेक्ट है।

दूसरा ऊपर की जो इंफॉर्मेशन दी है वो बेसिक है वो इंट्रोडक्शन है ओके तो इसलिए ऊपर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एंड एक्चुअल क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि ऑफ ऑफ सेल सेल क्या है है ये इक्वल होती स्पेसिफिकेशन में एंड ग्रेटर देन होती है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में इसलिए बी एंड सी करेक्ट है ओके okay? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था देन नेक्स्ट क्वेश्चन गारंटेड क्वेश्चंस में से थर्ड क्वेश्चन जो है कि एट द टू सेल स्टेज अभी देखो अगर टू सेल स्टेज है टू सेल स्टेज में सी इलेगान में डेवलपमेंट में द वेयर एक्सपेरिमेंटली सेपरेटेड एंड अलाउड टू प्रोसीड इन डेवलपमेंट नाउ वन ऑफ द ब्लास्टोमी वन डेवलप जनरेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स कि पी वन में सारे टाइप के सेल्स बनते हैं इट वुड नॉर्मली मेक वाइल मेड ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेल्स तो देखो अगर पी वन एंड ए बी साथ में होते पी वन एंड ए बी अगर साथ में होते ए बी एंड पी वन तो साथ में होते हैं तो ये सभी टाइप के सेल्स बनाती है ए बी ए बी फॉर्म ऑल सेल्स जैसे ए बी ए एंड ए बी पी ये सारे सेल्स बनाती है एंड पी वन फॉर्म ऑल सेल्स ऑफ देयर फिट तो फॉर्म ऑल सेल्स ऑफ देयर फिट मतलब ये सारे सेल्स बनाती है नाउ जब ए बी को एंड पी वन को सेपरेट करो ए बी एंड पी वन सेपरेट हो एंड पी वन सेपरेट होने के बाद ए बी सेपरेट होने के बाद इट फॉर्म फ्रैक्शन ऑफ सेल्स स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है एंड पी वन क्या करती है पी वन फॉर्म ऑल सेल्स इट फॉर्म सेल्स ये सभी बनाते हैं उसके फेट के तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है यहाँ पे कि ए बी सारे सेल्स बनाते हैं ए बी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल बनाते हैं पी वन सारे सेल्स बनाते हैं तो ए बी जो है देखो ए बी पी वन के साथ थी तो सारे सेल बना रही थी बट सेपरेट करने के बाद वो कम सेल बना रही है इसका मतलब ए बी कंडीशनली स्पेसिफाइड है एंड पी वन देखो पी वन के फेट में कोई चेंज हुआ क्या पी वन सात में थी तब भी सारे सेल बनाती थी अलग हो तो भी सारे सेल बनाती थी तो तो इसका मतलब ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है तो आपको इस तरह से उसको याद रखना है तो अगर साथ में हो तो सारे सेल्स बनाती है बट सेपरेट करने वाले सारे सेल्स नहीं बनाते तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो तो ए बी अगर साथ में है पी वन के तो सारे सेल बनाती है ए बी ए बी पी बट सेपरेट किया तो ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल बनाती है तो इसलिए उसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड स्पेसिफिक साथ में रखो तो भी सारे सेल बनाती है सेपरेट किया तो भी सारे सेल बनाती है तो इसका मतलब स्पेसिफिकेशन है तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ब्लास्टोमेयर पी वन डेवलपिंग जनरेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स इट वुड नॉर्मली मेक वाइल द ऑर् ब्लास्टोमेयर इन आइसोलेशन मेड फ्रैक्शन ऑफ सेल्स ऑर्र ब्लास्टोमेयर मतलब ए बी ब्लास्टोमेयर आइसोलेशन में फ्रैक्शन ऑफ सेल बनाती है इसलिए इसको हम कंडीशनल स्पेसिफिकेशन बोलते हैं नाउ देखो डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ पी वन एंड ए बी आर ऑटोनॉमस ये गलत है कि P1 एंड ए बी कंडीशनल है okay? P1 है, A है. Of P1 एंड भी गलत है. A and b तो ऐसे ही हट गए तो बच्चा कौन सा द डिटर्मिनेशन ऑफ दी वन वॉज ऑटोनॉमस ए बी वॉज कंडीशनल सी करेक्ट है एंड बोथ अट्रिक डिविजन एंड सेल्स इन इंट्रेक्शन स्पेसिफाइड पेट यह भी करेक्ट है तो सी एंड करेक्ट है तो करेक्ट ही पूछे तो कितना सिंपल क्वेश्चन है तो आपको बस एनालाइज करते समय अच्छे से एनालाइज करना है ये सी लेगन्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पी वन ए बी का आता है ई एम एस का आता है या पी टू स्टेम सेल का आता है तो ये हमेशा ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इसमें स्टेम सेल्स ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होते हैं और जो बाकी के सेल्स है जैसे फाउंडर सेल जो है वो कंडीशनल स्पेसिफाइड है तो ए बी फाउंडर सेल है और पी वन स्टेम सेल है इसलिए स्टेम सेल ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होते हैं एंड फाउंडर सेल कंडीशनली स्पेसिफाइड होते हैं तो ये हुआ हमारा आज का क्वेश्चन uh, जो हमने डिस्कस किया तो ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए बट इस क्वेश्चन से uh, आपके देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते कितने सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन आते डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पूछे जाते तो आप ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करना आप और ज़्यादा क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट अच्छा होगा क्लियर होगा और आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे क्वेश्चन के एनालिसिस पे अच्छी होगी दूसरा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते क्वेश्चन को खुद एनालाइज करते क्वेश्चन को खुद डी करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद का ही बूस्ट होता चला जाएगा ओके okay? इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डेली बी पार्ट सी पार्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है सी एस आई आर एग्जाम हो गेट एग्जाम हो डी एग्जाम हो आईसीएमआर हो ए एस आर बी हो बार्क हो कोई भी एग्जाम हो आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इसलिए जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है तो ये आज का हमारा सेशन हुआ गारंटेड क्वेश्चन सीरीज का ये आपको कैसे लगा क्या आपको नई चीजें सीखने को मिली क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको बेनिफिट हो रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यस yes? सो so, यहां पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू क्वेश्चन के साथ सो थैंक यू ऑल हैप्पी लर्निंग थैंक यू